नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। वल्लभ नगर का हर कार्यकर्ता ले चुका है करवट, अब कमल खिलने की तैयारी। भिंडर पहुंची जन आक्रोश यात्रा, जनता को थमाए कांग्रेस के काले चिट्ठे। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में नवे दिन चार भुजा नाथ की पूजा अर्चना कर जन आक्रोश यात्रा आरंभ हुई। धारता, सालेडा, सारंगपुरा, डाबियों का खेड़ा से भिंडर पहुंची, भिंडर में जनसंपर्क किया। भिंडर से होते हुए यात्रा मोतीदा, अकोला, पाणुद होते हुए केरेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। भिंडर आवलीपोल में संबोधित करते हुए जन आक्रोश यात्रा प्रभारी पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट ने कहा कि वल्लभ नगर का हर कार्यकर्ता अब करवट ले चुका है, आने वाले चुनाव में वल्लभ नगर में भाजपा का कमल खिलेगा। जाट ने कहा कि कांग्रेस के काले चिट्ठे लेकर यह यात्रा गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंच रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त आमजन का अपार समर्थन मिल रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए वल्लभ नगर प्रभारी व यात्रा संयोजक हिम्मत सिंह झाला ने कांग्रेस की गलत नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने घोषणा पत्रों में बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतर पाया। जन आक्रोश यात्रा में प्रदेश किसान मोर्चा कार्य समिति सदस्य धनराज अहिर, भाजपा वल्लभ नगर प्रभारी शंभू सिंह रणावत, भिंडर नगर मंडल अध्यक्ष मुरली मनोहर तिवारी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पुष्कर जोशी, केरेश्वर मंडल अध्यक्ष शंकर लाल जाट आदि मौजूद रहे।